तो अभी इस वीडियो में हम KTM RC 200 को चलाना सीखेंगे, इसके गियर शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य दोस्तों वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको खूब सारे वीडियो मिलेंगे ट्रैक्टर चलाने, बाइक चलाने इत्यादि के। तो यह है हमारा बिल्कुल एकदम सपाट हाईवे, इस पर चलाना सीखेंगे। मैं आपको यह कहूँगा कि आप खाली सड़क का इस्तेमाल करें। ओके, देखिए स्विच के अंदर चाबी डाल दिया, ऑन कर दिया है, और ध्यान क्या रखना है, ये बटन आपको साथ ही ऑन करना है। देखिए इस साइड करना है। ओके, जब ये ऑफ रहेगा तो ये मीटर भी आपका ऑफ रहेगा। यह ऑन करने के बाद यह देखिए शो के लिए हमने एक्स्ट्रा बटन लगाया है। यहाँ पर यह आपका इसका फ्रंट लाइट का डिम्पुल का बटन है, यहाँ पे डिम, और यह आपका फुल, और ये पास बटन है, और यहाँ पे हॉर्न है, और ये इंडिकेटर है। तो ये देखिए इंडिकेटर इस साइड करते ही ऑन हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा प्रेस करते ही ऑफ हो जाएगा। जब गाड़ी न्यूट्रल रहेगी तो यहाँ पे एन लिखा हुआ आएगा। ओके, यहाँ पे इसका आपका बताएगा दोस्तों स्पीड, और ये फ्यूल लेवल बता रहा है, अभी हमारा फ्यूल लेवल थोड़ा कम है। ओके, यह सब चीज़ें। अब देखिए इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन में जैसे ही दबाता हूँ तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके गियर की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इस साइड छोटा सा गियर दे रखा है। देखिए गियर कैसे लगाते हैं इन बाइक के, इस टाइप के गियर जो होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका रहता है। देखिए क्लच दबा दिया, इसको दोस्तों आगे दबाएंगे तो आपका एक नंबर लगेगा, और जो भी गियर लगेगा यहाँ पे नंबर बताएगा। देखिए यहाँ पे ये नंबर बता रहा है, और न्यूट्रल करना है तो एक बार देखिए पीछे दबाने से ये आपका, पीछे दबाकर आगे दबाने से ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जीरो लिखा हुआ आ गया है। अगेन दोबारा दिखाना चाहूँगा, देखिए ये एक नंबर, तो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आ गया। इसको जैसे ही मैं पीछे दबाता हूँ तो दो नंबर लग जाएगा डायरेक्ट। न्यूट्रल करना है तो वापस दबाना पड़ेगा। ये न्यूट्रल होते यहाँ पे जीरो आ जाएगा। चलिए हम इसको रवाना करते हैं। दोस्तों बाइक रवाना करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा, अपने ये जो मिरर है इनको सही से सेट करें। अभी जैसे मैंने मिरर सेट कर रखा है तो मेरे को पूरे का पीछे का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, यानी पीछे कोई भी गाड़ी आएगी तो वो मुझे दिखाई दे देगी। इसको भी सेट कर देना है सही एंगल पे। ओके, ताकि दोनों साइड से मैं ध्यान रख सकूँ। अब देखिए क्लच दबाया, और इसको आगे दबाने से एक नंबर लगेगा, और जैसे दो नंबर लगाना है तो मैं क्या करूँगा, इसके नीचे पंजा लाऊंगा और पीछे खींचूंगा, यानी ऊपर की ओर खींचूंगा तो दो नंबर लग जाएगा। ओके, चलिए मैं शुरू करता हूँ। ऊपर उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाइक को यदि हम अचानक क्लच छोड़ देते हैं तो देखिए बाइक बंद हो जाएगा। और दोस्तों मैं यदि एक्सीलेटर ज़्यादा करके अचानक क्लच छोड़ता हूँ तो बाइक आगे से उछाल मारेगा, और हम कहीं गिर भी सकते हैं इधर उधर। तो आपको सही छोड़ने का, क्लच छोड़ने का सही तरीका क्या है वो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्लच छोड़ना शुरू किया, ध्यान से समझना, तो एक पॉइंट के बाद आपका बाइक अपने आप रवाना हो जाएगा, और साथ में थोड़ा सा एक्सीलेटर मेंटेन करके रखना है। देखिए एक पॉइंट के बाद बाइक आपका अपने आप रवाना होना शुरू हो जाएगा। देखिए बाइक रवाना हो गया है। जब बाइक आपका पूरी तरीके से रवाना हो जाएगा तो दोस्तों आपको है जो अपने पैर ऊपर उठा देने हैं, क्लच पूरा छोड़ देना है। अब देखिए स्पीड हो गया है, तो क्लच दबाया, एक्सीलेटर कम किया, और पंजा नीचे डाल के पीछे खींचा तो आपका दो नंबर लग जाएगा। उसके बाद देखिए आपको और स्पीड हो गया है, क्लच दबाया, पंजा नीचे डाला, एक्सीलेटर कम किया हुआ है, ऊपर खींचा, तीन नंबर लग गया। यहाँ पे आपका मीटर में दिखाएगा जो भी गियर लगेगा। उसके बाद देखिए अगेन मैंने थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाया, क्लच दबाया, पंजा पीछे खींचा, एक गियर और लग जाएगा, और इसमें टोटल पांच गियर लगेंगे। हाँ सॉरी दोस्तों, छह गियर लगेंगे, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा स्पीड हो गया, तो एक गियर मैंने और लगा दिया। अब मेरा बाइक टॉप में चढ़ रहा है, यानी छः नंबर में चढ़ रहा है, और अभी मैंने दोस्तों जैसे 60
ड्राइव कर रहा हूँ, अब रोकना है तो कैसे रोकेंगे। एक्सीलेटर पूरा कम कर दिया और पीछे का दोस्तों हल्का हल्का ब्रेक दबाना है। तो देखिए बाइक आपका धीरे धीरे करते अपने आप रुक जाएगा, जब बिल्कुल धीरे हो गया तो हम अपना क्लच दबा देंगे। देखिए मैंने पीछे का अपना हल्का हल्का ब्रेक दबाया था। ओके, तो यह रहता है दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीका बाइक को चलाने का। और बात रही इसके हैंडल के कंट्रोल की, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको राय दूंगा कि आप किसी स्टार्टिंग में छोटी बाइक पर प्रैक्टिस करें, जैसे एरो स्प्लेंडर प्लस हो गया इत्यादि, क्योंकि यह थोड़ा भारी बाइक है, हैवी बाइक है। तो इससे यदि आप थोड़ा डायरेक्ट सीखेंगे तो आपको हो सकता है चलाने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन छोटी बाइक से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए न्यूट्रल करना है तो यहाँ पे ये गियर आपके कम होते जाएंगे, ये जीरो आ गया। ओके, तो इस तरह से हम अपना बाइक आसानी से चला सकते हैं। न्यूट्रल होते ही यहाँ पे आपका ये हरी बत्ती हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। मैं हूँ सुरेंद्र किलेरी, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलने वाले हैं।